आज हम जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमें हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सबसे पहले, ताइवान में एक आदमी का फोन एक झील में गिर गया था और हैरानी की बात तो यह है कि एक साल के बाद जब झील का पानी सूख गया तो वो जब वहां के लोगों को मिला तो वो चार्ज करने के बाद भी वापस चल रहा था। इसके बाद 26 मई को स्विट्जरलैंड में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऑनर के रूप में साइंस डे मनाया जाता है। इसी दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वहां पहली बार गए थे। इसके बाद एग यानी अंडे में हर तरह के विटामिन मौजूद होते हैं सिवाय विटामिन सी के। इसके बाद अटलांटिक ओशियन पर फ्यूएंटे वेंटूरा नाम का एक आइलैंड है जहां पर एक बीच पर जो स्टोन मिलते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं यानी पॉपकॉर्न जैसे। इस बीच को पॉपकॉर्न बीच भी कहा जाता है। इसके बाद इस इमेज में आपको जो कैमल नजर आ रहे हैं वो ब्लैक नहीं है बल्कि व्हाइट वाले हैं। ब्लैक तो उनकी शेडो है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको भी नजर आने लगेंगे। ये दिखाता है कि कभी कभी जो दिखता है सेम वैसा ही नहीं होता। इसके बाद दुनिया में एक ब्लैक मम्बा नाम का सांप मौजूद है जो एक घंटे में 20 किलोमीटर तक की स्पीड आसानी से तय कर सकता है। इसके बाद दुनिया में हर साल दुनिया भर की मूवीज रिलीज होती है, पर दोस्तों पूरे साल में सबसे ज्यादा मूवीज प्रोड्यूस करने वाला जो देश है वो है भारत। भारत में हर साल जितनी मूवीज रिलीज होती है उतनी कहीं और नहीं होती। इसके बाद आजकल जो मीम वर्ड बहुत फेमस है, हर चीज पर नए नए मीम्स बनते रहते हैं, जोक्स बनाए जाते हैं। पर सबसे पहले जो मीम माना जाता है कि किसी ने ऐसा कुछ सोचा होगा या बनाया होगा, वो अनुमान लगाया जाता है 1921 में बीबीसी के एक आर्टिकल के हिसाब से। और बाकी भी कुछ वेबसाइट पर आपको ये देखने को मिल जाएगा जहां ये दिखाया जाता है कि 1921 में सबसे पहले मीम बनाया गया था। इसके बाद है, अगर किसी इंसिडेंट में आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो या किसी से कोई जरूरी बात करते वक्त आपके आसपास कोई म्यूजिक बज रहा है तो वो म्यूजिक हमेशा आपको उस खास मोमेंट को याद रखने में मदद करता है। यानी जब भी आप दोबारा वो म्यूजिक सुनोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो दिन याद आने लगेगा जिस दिन कुछ ऐसा हुआ था। इसके बाद आइंस्टाइन की डेथ के बाद आपने सुना होगा उनके ब्रेन को निकाल लिया गया था, मगर एक सच ये भी है कि उनकी डेथ के बाद उनकी आइस को भी निकाला गया था और उनकी आइस को न्यूयॉर्क में कहीं पर सेफ रखा गया है। इसके बाद जितने धरती पर धूल या रेत के कण मौजूद है उससे कहीं ज्यादा गैलेक्सी में तारे हैं। इसके बाद एक अजीब सी चीज निकल कर आई थी कि एक रूम जिसका सारा सामान अपनी सही जगह पर रखा हुआ है और एक दूसरा रूम जो पूरी तरह बिखरा हुआ है। तो जो बिखरा हुआ रूम है वहां पर आप कोई ऐसा काम करोगे जिसमें आपकी क्रिएटिविटी चाहिए तो वहां आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा अच्छे से निकल कर आती है बजाय किसी अच्छे खासे रूम के। ये बड़ी अजीब सी चीज है, पर आप इसे ट्राई करो, क्या पता ये सच हो। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो आज के फैक्ट्स की। चैनल को जरा प्यार बरसा दो दोस्तों ताकि और भी बेहतरीन टॉपिक पर आपको वीडियोस मिले, हम केस स्टडी करें, एक्सप्लेन करें चीजों को और नई नई वीडियोस हमें देखने को मिलती रहे। बस कुछ सब्सक्राइबर कम है 1000 सब्सक्राइबर होने में, तो जल्दी से क्लिक करके प्लीज चैनल को सपोर्ट करो ताकि मेरा भी हौसला थोड़ा बढ़ सके। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।